सहस्राब्दी का नया वियतनाम लगभग आधी सदी के संघर्षों से उभरकर अंगड़ाई लेता हुआ एक नया विकासशील वियतनाम। धरती पर तोपों और बंदूकों की आवाजों और आसमान पर गरजते हुए मौत के बम बिखराते हवाई जहाजों की घरघराहट से उभरता वियतनाम। अब यहां वर्ग संघर्ष के क्रांतिकारी नारों की नहीं, उद्योग और विकास के तेजी से घूम रहे पहियों की आवाज सुनाई पड़ती है। दशकों पहले उत्तरी वियतनाम से शुरू होकर कम्युनिस्ट क्रांति दक्षिण की ओर आई थी। आज दक्षिण की बाजारवादी अर्थव्यवस्था का दर्शन उत्तर की ओर फैलता नजर आ रहा है। अगस्त 2001 में हमने जिस वियतनाम को देखा वो उस वियतनाम से बिल्कुल अलग था जिसकी हम कल्पना करते थे। इस नए वियतनाम के निर्माण की शुरुआत पिछली सदी के 90 दशक में दोई मोई नीति यानी उदारीकरण के साथ शुरू हुई थी, लेकिन भूमि सुधारों तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं के रूप में इसकी आधारशिलाएं इससे 20 वर्ष पूर्व ही स्थापित की जा चुकी थी। यानी वियतनाम में शिक्षा और साक्षरता आम लोगों तक पहुंच चुकी थी, आर्थिक और सामाजिक आधार का निर्माण हो चुका था, जनता और सरकार आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार थे। अर्थव्यवस्था को नई गति और दिशा देने के लिए दोई मोई अर्थात उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। कुछ ही समय में अपने मूल खाद्यान्न चावल का आयातक वियतनाम दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया। साम्राज्यवादी शोषण और लंबे युद्ध के कारण गरीबी और कर्ज में डूबा वियतनाम अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। माइलाई गांव युद्ध की नृशंसता का प्रतीक है। यहां संवेदनशील लोग प्रतिवर्ष शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। अनन्य साम्यवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर वियतनाम ने खुलेपन की नीति पर चलना शुरू किया है। बाजारवाद का मंत्र तेजी से फैल रहा है, पर वियतनामी व्यवस्था के सरोकार नहीं बदले हैं। उसका लक्ष्य आज भी आम लोगों को बेहतर जीवन मुहैया कराना है। बाजार के खुलने से आम वियतनामी के जीवन में एक नए उत्साह का संचार हुआ है, उसमें नए रंग भर गए हैं। फलों, सब्जियों, मांस और मछली जैसे खाद्य पदार्थों से बाजार पटे पड़े हैं। हस्तशिल्प के उत्पादों ने बाजार में नई छटा बिखरा दी है। तरह तरह के विदेशी उपभोक्ता सामान दुकानों में दिखाई पड़ते हैं। विदेशी निवेश बढ़ रहा है। नई अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने और उसमें अपनी भूमिका तथा स्थान खोजने के लिए नवयुवा वियतनामी आगे आ रहे हैं। वे बढ़ते हुए रोजगारों से जुड़ने की आकांक्षा रखते हैं, अपना स्थान बनाने के सपने देख रहे हैं। इन आकांक्षाओं और सपनों को आधार प्रदान किया है शिक्षा ने। नई पीढ़ी के सपनों को साकार करने के लिए साक्षरता अभियान को रोजगार से जोड़ा गया। 1990 में थाईलैंड में एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस जांटियन सम्मेलन में 155 देशों ने भाग लिया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने पर विशेष जोर दिया गया था। सन 2000 तक सबको शिक्षा का लक्ष्य भी इसी सम्मेलन में तय हुआ था। हालांकि 1990 तक वियतनाम में 89% लोग साक्षर हो चुके थे, लेकिन जांटियन सम्मेलन के प्रस्तावों का ध्यान रखते हुए वियतनाम सरकार ने अपने साक्षरता कार्यक्रम में मूलभूत परिवर्तन किए। प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षा के ढांचे में तदनुरूप बदलाव लाए गए। एक, साक्षरता का न्यूनतम स्तर कक्षा 3 की जगह कक्षा 5 कर दिया गया। 2, सभी बच्चों के लिए स्कूल में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। 3, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो गया और प्रशिक्षण का मानकीकरण कर दिया गया। 4, पिछड़े हुए प्रांतों में शिक्षकों के दल का गठन करने के लिए एक निश्चित धनराशि का प्रावधान किया गया। 5, ये सिफारिश की गई कि पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाई जाए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सांगठनिक ढांचे का निर्माण करना जरूरी था। इसके लिए सभी स्तरों पर समितियों का गठन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता समिति बनाई गई। इस समिति में यह सुनिश्चित किया गया कि सभी मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व हो। प्रदेश, जिला और कम्यून के स्तर पर संचालक समितियों का गठन हुआ। इन समितियों ने अपने अपने क्षेत्र में निरक्षरों की पहचान की और उनको साक्षरता कक्षाओं में लाने में भारी भूमिका अदा की।
इन तमाम कदमों के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। साक्षरता कार्यक्रम पर होने वाले सरकारी खर्च में 5 गुने की बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन यही पर्याप्त नहीं था। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को साक्षर बनाने के लिए स्वयं सेवकों की एक फौज तैयार की गई। इसमें आम स्कूल के शिक्षकों को भी शामिल किया गया। सबको साक्षर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य केवल शिक्षकों के सहारे पूरा नहीं किया जा सकता था। इस काम में विश्वविद्यालयों के छात्रों को भी जोड़ा गया। इन युवा छात्रों ने अपनी गर्मी की छुट्टियों का उपयोग लोगों को साक्षर बनाने, उनको शिक्षित करने तथा साक्षरता की दर में बढ़ोतरी करने के लिए किया। उनकी इन सेवाओं के लिए साक्षरता समितियों ने उन्हें यातायात तथा रहने और खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराई। प्रत्येक स्वयंसेवक पर औसतन 3 लाख डांग या 1,000 रुपया खर्च किया गया। दरअसल ये एक निवेश था, देश को विकास की ओर ले जाने वाले आधार तैयार करने पर निवेश, और ये सब सरकार ने और समाज ने मिलजुल कर किया। साक्षरता कक्षाएं चलाई कहां जाएं? इसके लिए सरकारी स्कूलों को चुना गया। जहां दिन में औपचारिक शिक्षा की कक्षाएं होती थीं, वहीं दोपहर बाद प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाने लगे। प्रौढ़ शिक्षार्थियों की सुविधाओं तथा व्यस्तताओं का ध्यान रखते हुए ये कक्षाएं ऐसे समय में चलाई गईं जब वे खाली होते थे। नव साक्षरों को पठन पाठन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। यही नहीं, उनको कक्षाओं में आने को प्रोत्साहित करने के लिए 1 ग्रेड पास करने वाले को 1 लाख डांग यानी लगभग 300 रुपए का पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई। जो शिक्षक रात में पढ़ाते उनको 70,000 डांग या लगभग 250 रुपए दिए जाते। इस प्रकार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साक्षरता अभियान को नई रणनीति के अंतर्गत नए ढंग से संचालित किया गया। साक्षरता लक्ष्यों का निर्धारण और कार्यक्रमों का निर्माण करते हुए देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विविधताओं का ध्यान रखा गया। उत्तरी वियतनाम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए थे। इन क्षेत्रों के लोगों के लिए स्थानीय भाषा में विशेष पाठ्य पुस्तकें लिखी गई। इसके साथ साथ राष्ट्रभाषा सिखाने का भी प्रबंध किया गया। कक्षाएं ऐसे स्थानों पर खोली गईं जो उनके घरों के आसपास थे। इनके बौद्धिक स्तर का ध्यान रखते हुए सीखने सिखाने के तौर तरीकों में आवश्यक परिवर्तन किए गए। गणित, भूगोल और सामान्य ज्ञान की शिक्षा के लिए 3 प्राइमर तैयार किए गए और इन तीनों प्राइमरों को पढ़ाने की अवधि 9 महीना निर्धारित की गई। यहाँ भी साक्षरता को विकास एवं रोजगार के साथ जोड़ा गया। पिछड़े इलाकों में अन्य इलाकों की तुलना में साक्षरता पर 3 गुना अधिक खर्च किया गया। लोगों को साक्षर बनाना ही काफी नहीं था, इनको साक्षरता के परिणामों का अनुभव कराना भी जरूरी था। जिन गांवों में साक्षरता अभियान सफल रहे थे उनमें मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाया गया। निरक्षरता दूर करने के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के भी उपाय किए गए। वहां सड़कें पहुंचाई गईं, बिजली के तार खींचे गए और नए नए उद्योग धंधे लगाए गए। साक्षर हो गए खेत मजदूरों को कल कारखानों में काम पर लगाया गया। लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से उनके सामने अनेक विकल्प खोले गए। उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने के कार्यक्रमों को शुरू किया गया। ग्रामीण स्तर पर भी उद्योग धंधे फलने फूलने लगे। शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है, उसके लिए जरूरी है कि सही उम्र पर बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें। अगर बच्चे साक्षर होंगे तो प्रौढ़ शिक्षा की जरूरत नहीं होगी। इस तथ्य को साक्षरता समितियों ने गहराई से अनुभव किया था। सरकार ने शिक्षा को सार्वभौमिक घोषित कर दिया और इस क्षेत्र में उसे सफलता भी मिली। पिछली सदी के अंतिम दशक में वियतनाम के 6 साल की आयु वाले 100% बच्चे स्कूल जाने लगे। प्राथमिक शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षक तैयार करने पर जोर दिया गया। इनके प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार किया गया। शिक्षकों के प्रशिक्षण का काम इसी मानक के आधार पर हुआ। यही नहीं, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में हर साल 2% की बढ़ोतरी की जाने लगी। परिणाम स्वरूप छात्रों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कम हुआ, वे एक दूसरे के अधिक नजदीक आए। इन प्राथमिक कक्षाओं में अब एक शिक्षक 20 से 25 बच्चों को ही पढ़ाता है। इन और ऐसे तमाम उपायों से पढ़ाई को बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है, पर इसको अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। हनोई,
वियतनाम की राजधानी। यह हमारा पहला पड़ाव है। यह झीलों का शहर है। ये झीलें किसी कविता की तरह मानो आपकी आंखों में झांकती हैं। यहाँ के पगोडा अपने सुंदरता के लिए सारी दुनिया में विख्यात हैं। आधुनिक वियतनाम के निर्माता राष्ट्रपिता हो ची मिन, इनके स्मारक पर इनकी एक झलक पाने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वियतनामी समाज पर पूर्व के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस का भारी प्रभाव है। शिक्षक कन्फ्यूशियस समाज को शिक्षित करना अपना उद्देश्य मानते थे। हनोई में ही स्थित कन्फ्यूशियस साहित्य मंदिर पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। शिक्षा और ज्ञानार्जन की ललक लिए वियतनामी यहाँ उनकी पूजा करने आते हैं। इस मंदिर में कछुए और पुस्तकों की अनेक प्रतिमाएं हैं। ये सिखाती हैं कि ज्ञान अर्जित करने के लिए कछुए जैसी निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है। इन शिक्षाओं का प्रभाव यहाँ के जनजीवन पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। रिक्शा और टैक्सी चालकों से छोटे बड़े दुकानदारों तक सब लोग समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के जरिए अपने आप को समाज और दुनिया से जोड़े रखते हैं। एशिया के दूसरे देशों की राजधानियों की तरह हनोई में भी लोग देश के कोने कोने से रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। मेहनत मजूरी करने आए निरक्षरों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का ये केंद्र एक बड़ा सहारा है। अपने खाली समय में ये लोग यहाँ पढ़ने लिखने का हुनर सीखते हैं और साक्षर होकर एक बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। साक्षर बनने की दौड़ में महिलाएं भी पीछे नहीं। पढ़ना लिखना सीखकर उन्हें सबल होने के, अपने पैरों पर खड़े होने के और अपने बच्चों का बेहतर विकास करने के अवसर मिल रहे हैं। अमेरिका के विरुद्ध आजादी के लिए चले लंबे युद्ध में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। आज ये देश के नव निर्माण में भी पुरुषों के समान ही योगदान कर रही हैं। वियतनामी महिलाएं हस्तशिल्प में निपुण होती हैं। साक्षरता समितियों के माध्यम से ये परंपरागत हस्तशिल्प को विकसित कर रही हैं और आर्थिक रूप से स्वाधीन हो रही हैं। सामाजिक रूप से इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। अध्यापन के क्षेत्र में महिलाओं ने उल्लेखनीय रुचि और क्षमता का प्रदर्शन किया है। नई अर्थव्यवस्था का लाभ आम वियतनामियों को भरपूर मिला है। खुले बाजार की नीति का लाभ उठाकर साक्षरता समितियों ने नव साक्षरों को रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग रोजगार की बड़ी संभावनाएं प्रदान करता है। वियतनाम में ये कला 300 वर्ष पहले चीन से आई थी, पर विदेशी आक्रमणों और गरीबी के कारण ये हाशिए पर चली गई थी। सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त करके इसको नव साक्षरों ने दोबारा जीवित किया है। दूसरे देशों में चीनी मिट्टी के बर्तनों के बाजार को बढ़ाने के लिए सरकार ने इनके विपणन की व्यवस्था की। इस प्रकार इस उद्योग ने रोजगार के नए रास्ते खोल दिए। दूसरा पड़ाव है दानांग, मध्य वियतनाम का एक नगर। यहाँ का समुद्र तट अपने सौंदर्य और सफाई के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। दानांग की पहाड़ियां थोड़े से समय में ही हर किसी के साथ एक अपनत्व स्थापित कर देती हैं। लेकिन प्राकृतिक संपदा से भरपूर अपना असीम सौंदर्य समेटे ये क्षेत्र आर्थिक रूप से विपन्न है। आम लोगों को दिन भर की मेहनत मजूरी के बाद ही पेट भर भोजन नसीब होता है। ऐसे में एक छोटा सा वर्ग ऐसा भी है जो पढ़ना लिखना सीखने का समय नहीं निकाल पाता। इस क्षेत्र की गांव साक्षरता समितियों ने ऐसे लोगों को साक्षर बनाने का संकल्प लिया। सबसे पहले निरक्षरों की पहचान की गई, उनकी समस्याओं को समझा गया और इस आधार पर इन मेहनत कशों की व्यस्तता का ध्यान रखकर उनके लिए सप्ताह में केवल 3 दिन कक्षाएं चलाने का निर्णय किया गया। दानांग की प्रौढ़ शिक्षा कक्षा में हमारी भेंट
हान से हुई। अपने बचपन में इन्हें गरीबी के कारण पढ़ना लिखना सीखने का अवसर नहीं मिला था। परिवार के 10 सदस्यों का भरण पोषण का उत्तरदायित्व इन्हीं पर था। संकट गहरा था, घर का पालन पोषण करें या पढ़ाई। गरीबी से जूझते हान की समस्या का समाधान किया साक्षरता समिति ने। हर कक्षा में आने के लिए हान को 10,000 डांग या 30 रुपए मिलते हैं। हान के लिए साक्षरता और उसके साथ साथ जीवन सुधारने का रास्ता सरल हो गया। गरीबी के कारण मैं पढ़ लिख नहीं सकी, लेकिन यहाँ केंद्र में पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं खेत मजदूरी छोड़कर फैक्ट्री में नौकरी करना चाहती हूँ। हान अकेले नहीं है, बहुत से नव साक्षर पढ़ लिख कर एक बेहतर भविष्य बनाने के सपने संजोए हैं। मैं अंग्रेजी इसलिए सीखना चाहती हूँ क्योंकि मैं व्यापार करना चाहती हूँ। हमारे देश में बहुत विदेशी आते हैं, उनको कोई समस्या न हो इसके लिए अंग्रेजी की जानकारी जरूरी है। अंग्रेजी जानने की वजह से मुझे आराम से नौकरी मिल जाएगी। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ और उसका पाठ्यक्रम काफी हद तक अंग्रेजी में होता है। तानांग में उन लोगों को खास तौर पर छांटा गया जिनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। अब लोगों को उम्र के अनुसार नहीं उनके स्तर के हिसाब से पढ़ाया जाने लगा। 3 कक्षा तक पढ़े 8 साल के बच्चे और उतने ही पढ़े 20 साल के युवाओं की कक्षा साथ साथ लगाई जाने लगी। प्रारंभ में युवाओं को बच्चों के साथ कक्षा में बैठते शर्म लगी, पर उनकी झिझक दूर हो गई। học ở dưới của nhận trong chợ rồi lâu quá पहले छोटे बच्चों के साथ बैठने में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पढ़ना लिखना सीखने के लिए यहाँ आना जरूरी है। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक लगने लगा है। दानांग एक ऐतिहासिक नगर है। ये भारतीय और चीनी संस्कृति का संगम स्थल है। इस नगर के नजदीक प्राचीन हिंदू राज्य चंपा के अवशेष हैं। यहाँ के कई हिंदू मंदिर अमेरिकी बमबारी से ध्वस्त हो चुके हैं। इन हिंदू देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां अब दानांग के प्रसिद्ध संग्रहालय में रखी हुई हैं। वियतनाम की मिलीजुली सांस्कृतिक थाती का एक और प्रतीक है हुई यान का चीनी बंदरगाह। दानांग में पर्यटन उद्योग के विकसित होने की अपार संभावनाएं हैं। वियतनाम सरकार ने पर्यटन को अब उद्योग का दर्जा दे दिया है। एक के बाद एक संघर्षों में फंसी वियतनामी सरकार ने लंबे समय तक अपनी सांस्कृतिक विरासत पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। सांस्कृतिक विरासत को वो वर्ग शोषण के प्रतीक के रूप में देखती थी, पर अब खुली अर्थव्यवस्था के दौर में सरकार अपनी सांस्कृतिक धाती को तेजी के साथ पर्यटन और शिक्षा के साथ जोड़ने के प्रयास कर रही है। सरकार अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक ही माला में पिरोकर दुनिया को वियतनाम की महान सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराने की योजनाएं बना रही है। अपार संभावनाओं के इस पर्यटन उद्योग के साथ साक्षरता ने एक रिश्ता कायम किया है। पर्यटकों को गाइड चाहिए, गाइड पढ़े लिखे ही बन सकते हैं, अतः शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और देश को विदेशी मुद्रा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वियतनाम में सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक अनूठा प्रयोग किया जा रहा है। सतत शिक्षा के छात्रों को अब विदेशी भाषा सिखाई जा रही है। कक्षा 9 पास कोई भी युवा अब सतत शिक्षा की इस कक्षा में प्रवेश लेकर विदेशी भाषा सीख सकता है। इस कक्षा के छात्रों में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाएं सीखने के लिए भारी उत्साह है। भविष्य में मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिसमें अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता हो। मैं एक टूरिस्ट गाइड बनना चाहती हूँ और देश विदेश में घूमना चाहती हूँ। दानांग की साक्षरता समिति ने पहाड़ी अल्पसंख्यकों को साक्षर बनाने की एक विशेष योजना तैयार की है। दूसरे आम क्षेत्रों की अपेक्षा इन अल्पसंख्यक क्षेत्रों में 3 गुना अधिक धन खर्च किया जा रहा है। आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने
कुछ नए प्रयोग किए हैं। इनमें निजी कंपनियों से मदद लेना शामिल है। उदारीकरण के इस दौर में वियतनाम में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस दिशा में उनके उत्तरदायित्व का बोध कराया गया है, जिससे कि सामाजिक जागरूकता लाने के इस कार्यक्रम में वे भी अपनी भूमिका अदा करें और पैसा लगाएं। यहाँ नव साक्षरों के लिए किताबों, कापियों तथा स्लेट और पेंसिलों को ही नहीं बल्कि वस्त्रों को भी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रायोजित कर रही हैं। सरकार शिक्षकों और स्कूलों का खर्च उठा रही है। इस प्रकार सरकार ने उदारीकरण और विदेशी निवेश को खोलने की नीति का उपयोग करके नागरिकों के बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रशंसनीय ढंग से काम किया है। हमारा अगला पड़ाव था हो ची मिन नगर। अमेरिका के विरुद्ध युद्ध जीतने से पहले दक्षिणी वियतनाम का यह नगर सैगोन कहलाता था। वियतनाम की कृतज्ञ जनता ने अपने योद्धा और राष्ट्रपिता हो ची मिन को श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम हो ची मिन नगर रखा। मेकोंग नदी के डेल्टा पर स्थित यह भव्य नगर वियतनाम की आर्थिक राजधानी है। इस डेल्टा में बहने वाली जलधाराओं ने इसे एक अनूठी संस्कृति प्रदान की है। लोग इन्हीं जलधाराओं के किनारे रहते और सड़कों के बजाय जल मार्गों का उपयोग करते हैं। तैरता हुआ बाजार मेकोंग नदी की विशेषताओं में आता है। यहाँ लोग गलियों, बाजारों और फुटपाथों पर बनी दुकानों के बजाय नाव से पानी में घूमते हुए खरीदारी करते हैं। बाजार सुबह 4 बजे खुल जाता है और सूरज की पहली किरण के साथ काम होने लगता है। यहाँ आकर लगता है मानो आप किसी परीलोक में पहुंच गए हों या फिर कोई सुहावना सपना देख रहे हों जो सूरज की दस्तक के साथ टूट जाता है। सपने को साकार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हो ची मिन नगर में चल रहे सतत शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है ताकि ये सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति का लाभ उठा सके। ग्रामीण साक्षरता समितियों के द्वारा चलाए जाने वाले सतत शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत आम लोगों में समाज, देश और दुनिया के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में हर सप्ताह कोई एक सामाजिक, आर्थिक यह स्वास्थ्य संबंधी विषय तय किया जाता है और उस विषय में पढ़ने, जानने तथा समझने के लिए नव साक्षरों को 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। अगली कक्षा में छात्रों के बीच इस विषय पर वाद विवाद होता है, जिसमें विषय विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया जाता है। विशेषज्ञ इन लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और उनकी समस्याओं पर विचार प्रकट करता है तथा समाधान प्रस्तुत करता है। विषय कोई भी हो सकता है, ये एड्स भी हो सकता है और बच्चों की देखभाल भी। ये दुनिया का बदलता स्वरूप हो सकता है या विज्ञान संबंधी कोई बात। सतत शिक्षा कार्यक्रम अपने देश में चलाए जा रहे हैं। यहाँ भी शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने की बात की जाती है। लोगों के व्यक्तित्व के विकास के बारे में कहा जाता है, पर अपने यहाँ सतत शिक्षा कार्यक्रम की कक्षाओं में किसी विषय पर इतने विस्तार से चर्चा नहीं की जाती। लोग इनमें आम स्कूलों की कक्षाओं की तरह आते, समय काटते, थोड़ा बहुत काम करते, सीखते साखते और चले जाते हैं। अभी जिज्ञासा पैदा करने और उसे संतुष्ट करने का माहौल हमारे यहाँ पैदा नहीं हो पाया है। हम उनको अभी उनके सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों और अधिकारों के बारे में सजग नहीं कर पाए हैं। उनके विचारों को अभिव्यक्त करने के मंच नहीं दे पाए हैं। अतः ऐसे में सतत शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा एक औपचारिकता मात्र बनकर रह जाती है। व्यक्ति और समाज का विकास करने में साक्षरों की भूमिका सिमट कर रह जाती है। वियतनाम का सतत शिक्षा कार्यक्रम न केवल लोगों को रोजगार दिलाने, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में बल्कि लोगों की जागरूकता के स्तर को ऊपर उठाने में भी सफल रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके सामने समस्याएं नहीं। स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस कार्यक्रमों के बावजूद उनकी सबसे बड़ी समस्या है संसाधन जुटाने की, धन की। सरकार और निजी कंपनियों से पैसा अक्सर समय से नहीं मिल पाता,
रेड रिवर में आने वाली बाढ़ भी साक्षरता की लौ को कभी कभी मध्यम कर देती है। पर इन सारी समस्याओं के बावजूद लोगों में साक्षर होने की भारी ललक है और साक्षरता से जुड़े कार्यकर्ताओं में उत्साह। साक्षरता नीति और उसके क्रियान्वयन के मामले में सरकार की रणनीति और दृष्टि स्पष्ट है। वियतनाम ने सबको साक्षर बनाने की दिशा में जो कदम उठाए हैं और उसके प्रयासों के जो परिणाम सामने आए हैं, वो इस धारणा को बल देते हैं कि सामाजिक व्यवस्था चाहे कोई हो, साक्षरता के बगैर उसका विकास करना संभव नहीं। वो समाज अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं रह सकता। यदि वियतनाम जैसा छोटा लड़ाई से जर्जर देश साक्षरता के साथ और साक्षरता के माध्यम से अपने देश को विकास की नई ऊंची अवस्था तक ले जा सकता है, तो हम क्यों नहीं।